राजस्थान की बात करें तो हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां लॉकडाउन किया गया। राजस्थान में 2 मार्च को पहला मामला सामने आया, वहीं पहले हफ्ते में ये बढ़कर 3 तक पहुंच गया, दूसरे हफ्ते में 25 और तीसरे हफ्ते के 4 दिनों में अब तक 20 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर अभी तक प्रदेश में 52 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि भीलवाड़ा में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये तो शुक्र माने कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतने सार्थक कदम सही समय रहते उठा लिए, नहीं तो पता नहीं प्रदेश की क्या स्थिति होती। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी से। अभी उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने रोडवेज सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया है उन लोगों के लिए जो बाहर के प्रदेशों से लौट रहे हैं, फंसे हुए हैं, मजदूरी करते थे और अपने घर वापस आना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो गोद में उठाए, सामान उठाए, भूखे प्यासे कितने ही किलोमीटर आगे चलते जा रहे हैं। वहीं आपको ताजा जानकारी देने, भीलवाड़ा में 2 और पॉजिटिव मिल गए हैं, तो कुल मिला के राजस्थान में अब 54 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप समझ सकते हैं आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन करें, घर में रहें। आप अपनी जिम्मेदारी घर में रहकर निभा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा जी से। श्याम जी, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां लॉकडाउन किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश में जो पहला जो लॉकडाउन हुआ ये एक उदाहरण बना और उसके बाद लगातार सभी राज्यों ने उसको लॉकडाउन किया और देश भर में लॉकडाउन है। देखिए चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं, उन्होंने चरणबद्ध तरीके से इस युद्ध को लड़ने का काम किया है जी, शुरुआत की है जी। सबसे पहले उन्होंने भीड़ को कैसे नियंत्रण किया जाए जी ये काम किया और मैं समझता हूं कि भीड़ को नियंत्रण करने में शहरी क्षेत्रों में लगभग 95% सफलता उनको मिली है जी। इसके बाद अब उन्होंने लॉकडाउन को जब शहरी क्षेत्रों में खासतौर से जी इसको जब लागू किया और उसकी सफलता हुई जी, तो उन्होंने परसों एक बहुत ही मार्मिक अपील की कि कोई आदमी भूखा ना सोए। बिल्कुल, वो दिन में 3-3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, अफसरों के साथ बैठ रहे हैं, जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो उन्होंने ये एक स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भूखा ना सोए जी। उनके आह्वान पर सामाजिक संगठन, औद्योगिक संगठन, कर्मचारी संगठन और बड़ी संख्या में लोग स्वयंसेवक इस काम में जुट गए और मैं समझता हूं कि जैसे मैं आपको अलवर का उदाहरण दूं जी, जहां कलेक्टर इंद्रजीत भी बहुत ही संवेदनशील और मेहनती व्यक्ति हैं जी, उन्होंने दिन रात लग के आज मैं दावा कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, मैं फील्ड में जा भी रहा हूँ जी। और सबसे पहले तो उन्होंने 25 लोगों की एक कोरोना रिलीफ एक कोर कमेटी बनाई जी, जिसमें सारे के सारे सामाजिक लोग थे, उसमें सभी लोगों को शामिल किया जी, मुख्य मुख्य लोगों को, और शहर को 4 सेक्टरों में बांटा जी। जितने भी घुमंतू जाति के लोग हैं, ये लोहार टाइप लोग हैं, गाड़िया लोहार हैं जी, ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं जो लोग रोजंदारी का काम करके पेट भरती थी जी, उनको सबको खाने के प्रति निश्चिंत कर दिया। और मैं समझता हूं कि पूरे अलवर शहर में जी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भूखा सो रहा हो जी। ये अब धीरे 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 ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ये अभियान बढ़ रहा है जी। अब ये 2 जो महत्वपूर्ण सफलता मिली है,
एक तो नियंत्रण की और एक भोजन की। जी। अब तीसरी बात आती है, वो आती है क्वारंटाइन की। देखिए, जैसे ही ये हल्ला मचा, लोग डर के कारण, लोग अफरा तफरी में अपने शहरों को छोड़ के निकल पड़े, बहुत सारे लोग जी। राजस्थान भर में, कोई बम्बई से, कोई सूरत से, कोई जहां जहां जो बैठा था वो चल पड़ा, वाहन बंद हो गए तो पैदल चल पड़े। जी। तो कोई वायरस को ले ना आवे, इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि जिलों की सीमा पर राहत शिविर लगा दिए जाएं, जो जहां है उसको वहां रोकें, उनके मेडिकल चेकअप हों। और अलवर में इसकी शुरुआत हो गई है, अलवर में इस तरह की शुरुआत क्वारंटाइन करने की जी ये शुरुआत कर दी है। अब आता है इस सब के बीच में लॉ एंड ऑर्डर, जी, कि ये सब चलते पुलिस की भी सख्ती है, जी, लोग रोजमर्रा की व्यवस्था के लिए भी सड़क पे उतर सकते हैं। कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, वो लोग जानबूझ के कोई ना कोई अपना ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए या अपना राजनीतिक लाभ के लिए कोई शरारत कर सकता है। जी। तो ऐसे लोगों को रोकना, इसके लिए सख्ती की जरूरत है। बिल्कुल। फिर बात आती है कि आपके यहाँ यदि क्वारंटाइन के बावजूद कोई ऐसा पेशेंट कोरोना का मिलता है जिसको आईसीयू में या वहां लेना पड़े या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, जी, तो मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में ये व्यवस्था कर दी है जी। मुख्यमंत्री जी ने हर जिले को टारगेट दिया है जी कि आपके यहाँ इतना अनुमानित कोई ऐसी आपदा आ सकती है जी। तो आप कितना इंतजाम करेंगे जी। तो मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में प्रशासन ने और जन सहयोग ने इससे लड़ाई लड़ने की अपनी तैयारी कर ली है। उन्होंने इसके लिए एक राहत कोष का भी गठन किया है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रवासी राजस्थानी हों, उद्योगपति हैं, भामाशाह हैं, वो भी बढ़ चढ़कर पैसे जमा करा रहे हैं, जिससे जो इस मुसीबत की घड़ी में वो भी अपना थोड़ा सा योगदान दे सके। देखिए, बहुत बहुत लोग काम कर रहे हैं जी। अभी मयूर समूह के रिजू झुंझुनवाला ने बड़ी मदद की है जी। अभी मैं देख रहा था दो दिन पहले, अलवर के जो दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष हैं, डेयरी चेयरमैन बन्ना राम ने व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के कोष में जो है 1 लाख रुपए की राशि दी जी। इसके अलावा उन्होंने आश्वस्त किया कि चाहे 1 लाख लोगों का रोज खाना बने जी डेयरी में जी, किसानों को नियमित वैन जाती है दूध लेने के लिए जी, यदि गांव में जरूरत पड़ी तो उन्होंने ये कहा कि चाहे कितना ही पैसा लग जाए, समाज संस्थान, कोऑपरेटिव संस्थान, सारे के सारे लोग, उद्योगपति इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं। और सबसे अच्छी बात एक और है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कल विपक्ष के नेता श्री गुलाब जी कटारिया जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पूनिया जी को बुलाकर जी, जिस तरह से उनके साथ मीटिंग की, मिनट मिनट की जानकारी राज्यपाल ले रहे हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का बड़ा कोऑर्डिनेशन है इस मौके पर। उन्होंने गहलोत जी ने क्या कहते हैं पीएम मोदी से भी बात की, उन्हें भी यहाँ की सारी जानकारी दी, अमित शाह जी से भी बात करी है, तो कुल मिला के इस समय राजनीति परे है, एक ही सबका लक्ष्य है कि मानव हित में जो काम किया जाए उसमें कोई भेदभाव नहीं हो, कोई राजनीति आड़े नहीं आए। बिल्कुल राखी जी, ये संसार में देश का बहुत बड़ा संदेश गया है जी। और मैं ये आपके अपने अपने चैनल के माध्यम से, मैं ये इस मेरे जितने भी अपने एवन टीवी के दर्शक हैं जी, जो भी लोग सुन रहे हैं उनमें राजनेता भी होंगे, अधिकारी कर्मचारी भी होंगे, संगठन के और लोग भी होंगे, मैं उनसे सबसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए जी, कि गांव-गांव में भी अगर ऐसी स्थिति है, राजनीतिक द्वेषता या कोई इस तरह की प्रतिस्पर्धा है जी, तो सब लोग इसको भूल जाएं इस समय जी, और सब लोगों का एक ही लक्ष्य हो कि लोगों की सेवा हो, पैनिक ना फैले। और इसमें एक और चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जी, कि कोई आपराधिक तत्व इसका फायदा ना उठा ले जी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हर व्यक्ति की, सिपाही बनने की, हर व्यक्ति हमें समाज का पहरेदार भी बनना होगा, समाज का पहरेदार बनना होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल चलिए। और जी, अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि भले ही कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट एक दो बढ़ रहे हैं जी, लेकिन लोग घरों में हैं और
हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, नेगेटिविटी से ऊपर उठना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है जी, और बहुत अच्छी बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, इधर प्रधानमंत्री जी ने आपस में बात की है जी, और पूरा देश साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, और तमाम जिला कलेक्टर, राजस्थान प्रदेश के तमाम एसपी जी, और मेरा सभी से यही अनुरोध है चैनल के माध्यम से कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इससे बचें जी। चलिए, ये सारी जानकारी देने के लिए, इतनी सारी सार्थक बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी आपका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ अगर हम हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का उल्लेख ना करें तो वो भी गलत होगा। वो और उनकी टीम भी पूरे तन मन से प्रदेश की सेवा में लगी हुई हैं। हर जो जरूरी काम होना चाहिए लोगों के बचाव के लिए, वो सारे काम किए जा रहे हैं। बातचीत आगे भी हम लोगों से करेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।